नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा, एक बार फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि टारगेट है, ये पार्ट नंबर 2 है। मैथमेटिक्स के 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके SBI क्लर्क में हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें बेसिकली मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्ड प्रॉब्लम, ये चार पाँच टॉपिक हैं, इन पर फोकस करना है। और कल मैंने सैंपल के तौर पे आपको सिंप्लीफिकेशन के तीन चार क्वेश्चंस कराए थे। ठीक, तो आज सिंप्लीफिकेशन करेंगे प्लस कुछ नंबर सीरीज भी करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर इनइक्वालिटी भी करेंगे साथ साथ आगे, तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना जल्दी जल्दी हो पाएगा उतना करेंगे। बट आपको करना क्या है, आपको सपोर्ट करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है और वीडियो के नीचे कमेंट और लाइक करना है, जिससे हमें पता चले कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि आपके ये नंबर सीरीज़ है, कुछ सिंप्लीफिकेशन है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत स्पीड से करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा। समझते हैं, देखिए, जब भी बात करें नंबर सीरीज़ की, तो नंबर सीरीज़ के लिए दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में माइंड सेट ऐसा रखो, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रैक्टिस करनी है आपको घर पर। ठीक है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करके जा रहे हो, समझ लीजिए नंबर सीरीज़ हो गई आपकी। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम में पांच क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे नंबर सीरीज़ के पांच क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके नंबर सीरीज़ जो पांच क्वेश्चन हैं वो लगा लीजिए कि वो आप ही के हैं। आपको पाँच में से पाँच क्वेश्चन करने हैं और नो डाउट चार क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके होंगे और सिंपल वाले होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो लेवल का क्वेश्चन है, ये 2019 में एग्ज़ाम आया था SBI का, वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं सीधा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे नंबर सीरीज उठाते हैं, क्या है कि 11, फिर ये मिसिंग नंबर वाली है, एक आती है रॉन्ग नंबर वाली सर्च करने के लिए, तो रॉन्ग नंबर वाली उससे भी ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, फिलहाल ये मिसिंग वाली आई थी एक एक, एक सेट में, तो 11 और ये क्वेश्चन मार्क 16, 21, 29, 41। अब देखिए करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर इनमें डिफरेंस कम कम है, सबको पता है ये बात, अगर डिफरेंस कम कम है तो आप डिफरेंस चेक कर लो, नहीं तो डबल डिफरेंस चेक कर लो, आपका काम 101% हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में, ये मैंने एक साथ एक ही स्क्रीन पर लिए हैं जिससे आपको समझ में आए। ये क्या है कि इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 1800 पहुँच गया, 250 से शुरू हुआ, 1800 पहुँच गया, मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए 100 से शुरू हुआ, यहाँ देखिए ये मिसिंग वाले को छोड़ दें, तो यहाँ पे 100 से शुरू हुआ है, उसके बाद ये 1312 तक पहुँच गया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हुआ है। अब कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपके हैं, जैसे यहाँ बात कर लो, जल्दी जल्दी डिफरेंस निकालना शुरू कर दो। अच्छा, पहले यहाँ निकाल दे, 41 और 29 में डिफरेंस आ गया 12। ठीक है, यानी +12, ये तो मत लगाइए यूनिवर्सल है, आपको दिख रहा है कि बढ़ती हुई सीरीज है। 29 9 में से एक गया, 8 बचा। ठीक है, और 16 21 यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया डिफरेंस हमें पता नहीं, और फिर इन दोनों में क्या आएगा हमें पता नहीं, मतलब आपको इतना पता है बट ये यूनिवर्सल नहीं है। ये यूनिवर्सल नहीं है तो क्या करेंगे, अगला करेंगे डबल डिफरेंस। तो डबल डिफरेंस मैंने किया, 8 और 12 में डिफरेंस 4, 5 और 8 में डिफरेंस 3, तो यानी कि 4 ये 3, क्या यहाँ पे 2 आ सकता है, तो यहाँ पे 2 लिख के देख लो, 2 का मतलब है कि 2 लिखोगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, भाई तभी तो यहाँ पे 2 आएगा ना। ठीक है, मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 2 आया। ठीक है, आप जो आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 आ जाए, तो 1 कैसे आएगा भाई, 1 तभी तो आएगा ना जब यहाँ पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, भाई यहाँ पे 2 आएगा तभी तो 1 आएगा। अब यहाँ पे आपका 2 3 5 8 12 ये निकल गया, अब 2 और 3 से आप बोल सकते हो कि भाई 11 में 2 ऐड करूँ यानी कि 13, और उसके बाद चेक कर लो 13 में 3 ऐड करके क्या 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कि 13 आपका क्या आंसर है। मैं ये क्वेश्चन कराने का कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे कि आपको ये समझना है कि भैया ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आए थे 2019 में, ऐसा ही 2020 में आएगा। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन को देख के आप घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डबल डिफरेंस से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, खुद करने की कोशिश करें पहले। तो मैंने आपको बताया कि भैया एकदम डिफरेंस आ रहा है, तो यानी गारंटी है कि मल्टीप्लाई होगा। अब 2.5 से 5 गया, तो नो डाउट 2.5 दूना 5 होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब 5 से 15 गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3
तीन हो गया। इसको उल्टा अगर आप करोगे तो डिवाइड बोल सकते हो कि भैया डिवाइड हुआ 15 में से 5 3, यहाँ बोलोगे 2 से डिवाइड हुआ। डिवाइड से अच्छा हमें मल्टीप्लाई लगता है, तो हमने उल्टी सीरीज चला ली। अच्छा यहाँ क्या आया 15 चौका 60, तो ये क्वेश्चन तो 3 सेकंड में हो गया, ये दुगना तिगना चौगना और यहाँ पे 5 गुना, यानी कि 60 को 5 से गुणा कर लो, यानी कि 300 आंसर आ गया। 2-3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। उसके बाद चेक कर लो कि 6 से गुणा करके 1800 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा नीचे कर लें स्क्रीन को और बाकी के और बचे हुए क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले यही वाला कर लें, मुझे मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टी मल्टीप्लाई के यहाँ डिवीज़न होगा, तो यानी कि मैं सीरीज़ को इधर से स्टार्ट करूँगा मल्टीप्लाई की तरफ से। अब ये क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतना निकाल लो आपके भाई, मल्टीप्लाई बाई 1.5 होगा भाई। 100 से 150 की गुणा करोगे तभी तो 150 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 100 से 150 की गुणा करी तो 150 आ गया। उसके अलावा क्या करोगे आप? ठीक है, उसके अलावा क्या करोगे? अगला पॉइंट देख लो कि भाई अब 150 से 375 जाने के लिए क्या होगा? भाई 150 का दुगना होता है 300, और ये तो 375 है, यानी कि 2.5 गुना। सोच के देखो ना, 75 ही तो बढ़ रहा है, 150 का आधा 2.5, 150 का आधा 75, तो यानी कि 2.5 गुना हो जाएगा ये। अब जब ये 1.5 गुना है, जब ये 2.5 गुना है, तो ये 3.5 गुना होगा कि नहीं होगा? मतलब होने के चांस हैं। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मोटा मोटा चेक कर लो। मान लो लिखा है 400, मान लो लिखा है 400, अगर आप 3 गुना करेंगे 4 3 12, और ये 3.5 गुना है, यानी कि 1200 से ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3.5 गुना ही ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि ये 3.5, ये 2.5 और ये 1.5, यानी कि यहाँ पे आएगा आधा। ठीक, तो यहाँ पे मैं किसकी गुणा करूँ कि 100 आ जाए आधे, यानी कि 200 होगा यहाँ पे, तब उसका आधा करूँगा तभी तो 100 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। कितना आसान से क्वेश्चन हो गया, तीनों क्वेश्चन एक नंबर के आसान थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब क्या करें इसमें, ये क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, मतलब 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे और 2-3 क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे। इनमें क्या करेंगे आप, कैसे भी कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है, या तो डिफरेंस लगाओगे कि भैया पहले एक बढ़ा, फिर सॉरी एक घटा, फिर एक बढ़ा, फिर यहाँ पे सडनली 5 बढ़ गए, फिर सडनली बहुत सारा बढ़ गया, तो यानी कि ये तो नहीं लग रहा, ये तो नहीं लग रहा, तो कुछ और सोचेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे भाई यहीं पे सोच लूँ मैं कि 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई बाई आधा कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई आधा कर दूँ, तो यानी कि 2 बन गया और +1 कर दूँ। ठीक है, अच्छा 3 में मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूँ, क्योंकि यहाँ आधे से की तो सीरीज़ कैसे बनेगी, 1 से करूँ, तो 3 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 किया और +1 कर दी, यहाँ तक बिल्कुल सीरीज सही चल रही है, यानी आधा से मल्टीप्लाई और 1 से प्लस, 1 से मल्टीप्लाई फिर 1 प्लस, यानी कि इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए कि आधे का दुगना 1, 1 का दुगना 2, चलिए 2 से मल्टीप्लाई और +1, चलिए ये भी सेटिस्फाई होगा, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, अब यहाँ क्या होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई और +1 तभी तो होना चाहिए ना, लेकिन 9 चौक 36 और 1 37, अगर यहाँ 37 होता तब ये सेटिस्फाई हो जाता आपका, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि ये चीज़ तो नहीं लग रही। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, दूसरा माइनस वाला लगा सकते हो कि भैया 4 में 1 की मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, तभी तो 3 आएगा। ऐसे यहाँ करो कि भैया 3 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 कर दो, भाई 3 2 6 -2 4 हो गया। ऐसे जब 2 की मल्टीप्लाई -2 कर रहे हैं, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई और -3 करके देख लो, तो यहाँ देख लो 4 से कि 3 की मल्टीप्लाई -3, यानी 4 3 12 में से 3 गया, 9 बचा, ये भी सही हो गया। अब 9 में 4 की कर लो, 9 में 4 की मल्टीप्लाई -4, तो 9 चौक 36 में 4 गया 32, यानी कि बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आ गया मेरा 32 में 5 की मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया, हमने तीनों एग्जाम्पल लेके देख लिए, इस क्वेश्चन में टाइम लग गया। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो काम बन जाएगा आपका। यहाँ देख लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 32 गुणा 5 -5 करके जल्दी से आंसर बताओ इस बात का कितना आएगा, 32 गुणा 5, यानी कि ऐसे मोटा मोटा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 32 गुणा 5, 3 5 15 और 5 2 9 10, यानी कि 160 बन गया, और 5 कम हो जाएगा, यानी कि 155 बन गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में और बताओ कि उन्हें तैयारी चल रही है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से सिंपल तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए मुझे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, कैसे भी कॉन्सेप्ट लगाओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये चीज़ें कुछ यूनिवर्सल होती हैं। अगर मैं नंबर सीरीज डिटेल में आपको पढ़ाता तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, लेकिन अभी ये बात है कि आप मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करेंगे तब भी कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। क्यों नहीं आने वाला, इसलिए क्योंकि ये एक यूनिवर्सल वाला है यहाँ पे, ये है, ये क्यूब में से कुछ घटाया जा रहा है, जैसे 24 मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया ये 3 के क्यूब में से 3 घटाया, या 27 में से 3 घटाया, 64 मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया 4 के क्यूब में से ये 4 घटाया है,
छः मुझे दिखाई दे रहा है कि दो के क्यूब में से ये दो घटाया है। अब जीरो तो, जीरो की तो टेंशन नहीं होती, जीरो और वन की टेंशन नहीं होती, जीरो के क्यूब में से जीरो घटाया है। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? तो यहाँ क्या आएगा, पाँच के क्यूब में से पाँच घटाओगे आप, ठीक है। और ये भी चेक कर लो, 210, छः के क्यूब में से छः घटना चाहिए, तो यानी कि 216 माइनस छः, यानी कि 216 माइनस छः, यानी कि 210। समझ में आ गई बात, सेटिस्फाई हो गया। तो भाई ब्लैंक में क्या आएगा, 5 का पावर 3 माइनस 5, यानी कि 125 माइनस 5 बराबर का 120। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो इन क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इनको तो एज इट इज याद करना है आपको, ठीक है। देखना है, याद करने का मतलब है कि सिर्फ देखना है और आपका काम आराम से मिल जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं। अगला सवाल आपके सामने आ गया। अगला सवाल कैसे करें, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, डिवाइड हो रहा है तो क्या करें। देखिए आपको पता ही लिखा है 17 28, ठीक है, लिख दो 17 28, 17.28, ठीक। इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि यहाँ भी डिवाइड है और फिर उसका भी डिवाइड है। तो एक बात समझ में आती है मुझे कि इसको तो अभी ऐसे लिख लो, अगर समझाने वाला तौर तरीका देखना है तो ये हो गया, और डिवाइड पूरा कर दो, और 3.6 गुणा 0.2, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इज इक्वल टू 200, इतनी बात तो समझ में आएगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को अगर मैं इधर ले जाऊं तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट घट कट जाएंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया, 144। ये बात समझ में आ गई, यानी कि हम उसको उधर ले गए, 17.28 डिवाइडेड बाई एक्स कर दूँ क्या मैं इसे, ठीक है मैंने एक्स कर दिया, या मैं लिख दूँ इसे 17.28 अपॉन का एक्स बराबर 144। अच्छा, 17.28 और 144 देख के मुझे एक बात समझ में आती है, एक बात क्या समझ में आती है, इसको समझिए। ये समझ में आती है कि ये 12 का क्यूब है और ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन 17.28 नहीं, पॉइंट हटा के पहले नीचे जीरो बढ़ा लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 17.28 को क्या लेंगे भाई, 12 का क्यूब बटे 100x इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर से तो पावर 3 कट गई, तो आंसर क्या आया, एक्स इधर पहुंच जाएगा, तो एक्स बराबर आ गया 0.12। 0.12 क्यों, नीचे 100 था तो 12 से डिवाइड हो गया, यानी कि 0.12 इज योर आंसर। ये बात समझ में आ गई, और क्वेश्चन करेंगे स्पीड से करेंगे, थोड़ा सा बहुत बढ़िया तरीके से करते चले जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अब देखिए लिखा है 75% ऑफ 680, 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क और 60% ऑफ इतना। ऐसा क्वेश्चन देखते ही 75% को तो आप याद कर लो भैया, ये 75% का मतलब होता है 3/4 इंटू 680 माइनस 25% का मतलब 1/4 होता है इंटू एक्स बराबर। अब 60% का मतलब क्या होता है, अच्छा 60% का मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है, या उसे भी मत याद करो आप, 60/100 कर दो आप सीधा, इंटू 520 कर दो। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एक जीरो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जीरो से जीरो, एक जीरो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो टेंशन हो गई खत्म, ठीक है। अच्छा, 52 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 6 2 9 12, 312 यहाँ पे आ जाएगा, ये बात भी खत्म हो गई। अच्छा, ये भी खत्म कर लो, 4 से काट लो, 17 बार जाएगा, 170 हो गया। 17 से 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 17 तो 51, यानी कि 510 माइनस का एक्स बटे 4 और बराबर का 312, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, 510 में 312 गया और एक्स बटे 4 उधर चला जाएगा, तो ये कितना बन गया, 198, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स बराबर कितना आ गया, 792। समझ में आ गई बात, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से ही क्वेश्चंस को टैकल करो आप। अगला सवाल करते हैं स्पीड से, ठीक है। अगले दो सवाल हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि भाई 36% करके कैसे कैसे मुझे क्या करना है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल है, क्या करना है, बेसिकली करना सिर्फ इतना है, 36 को 17 से मल्टीप्लाई। देखो एक तरीका, तो 17 का टेबल याद होना चाहिए, 17 का टेबल याद, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 और 17 51, ठीक है। तो यानी कि 17 छक्का 102 लिखा, 2 आ गया, 10 कैरी हो गया, 17 51 और 10 61, सीधी सीधी बात हो गई, आपका पॉइंट लगा दो यहाँ, ठीक है। पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 1 0 ऑलरेडी है और 100 से डिवीज़न है, यानी कि 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यही तो हो गया ना। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको टेबल याद है 17 का, तो आपने 0 तो वहाँ लगा दिया और 0 से फिर यहाँ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा। अरे भाई यही तो मतलब हुआ, 36/100 इंटू 170, ये तो हुआ 0 तो 0 कट गया, 17 से आपने जब इसकी मल्टीप्लाई की तो 612 आ गया, 1 दशमलव की जगह आपने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख लो, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स बोल दिया, अपॉन में 100 बोल दिया और इंटू में 590 बोल दिया, इज इक्वल टू 150, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, 61.2 है उधर, 150 है, 150 में से 61.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 यहाँ पे बच जाएगा,
50 उधर निकल गए और 11.2 बचे, यानी कि 88.8 बच जाएगा, 88.8। अच्छा, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, तो बचा 59x/10। तो इस 10 की जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 59x=888, 59=888। अच्छा, एक्स बराबर आ गया 888/59। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में अगर क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेशन से, नहीं तो यहाँ पे जो भी रेलिवेंट आंसर है, या एक्चुअली इसका आंसर ये था एग्जाम में NOT, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन तो कुछ और थे, 14.6, 14.2, तो यानी कि आंसर आपका NOT आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से कोई आंसर यहाँ पे बैठ नहीं रहा था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, आंसर तो ऑप्शन पे डिपेंड होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन पे डिपेंड होता है हमारा आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर कैसे करोगे, 21.9% ऑफ 650, इतना इतना। तो ये सारी चीज़ें तो ईजी हैं, बट हमारा ये वाला टिपिकल हो गया, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं हुआ। इसको मैं 21.9% को ध्यान दो, कैसे करेंगे इसे 21.9% को, सिंपल से एक काम कर लो, मैं इसे 20% बोल दूँ, प्लस का 2% बोल दो, या फिर टू, चलिए चलिए ठीक है, 2% बोल दो, और माइनस का 0.1% बोल दो, किसका, 650 का। ये बात समझ में आई हो तो यस लिखेंगे कमेंट में, और मुझे बताएंगे कि भाई समझ में आ गई। 21.9 को मैंने ऐसे लिख दिया, 20% प्लस 2 22% हो गया, माइनस का 0.1, यानी कि 21.9%। क्या मतलब हुआ, क्यों करा हमने ऐसा, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन है 650, यानी कि 650 का 20%, 650 का 2% और 650 का 0.1% निकाल देंगे, जो कि बहुत आसान होता है। अच्छा, 650 का 20% हो गया 6 × 12, 130 प्लस, जब 20% 130 है तो 2% कितना होगा, 13, क्यों, क्योंकि 1 0 ही तो कम है, 1 0 कम कर, प्लस, अच्छा 650 का 0.1% जब निकालने की बात आएगी तो 650 का 1% होगा 6.5, 0.1% 0.65, ये बात भी समझ में आ गई, इज इक्वल टू एक्स प्लस 23.12। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे, क्योंकि इसको तो सॉल्व करना है। 130 में पहले यहाँ पे आप ऐड कर लो, कितना आ गया, 130 में 13 ऐड किया, 143 आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इधर कर देंगे, एक्स की वैल्यू आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर इसका आंसर लिखते हैं तो मुझे पता लगेगा उतने बच्चे हमारी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और मैथ्स में उन दिलचस्पी है। मैं बहुत अच्छे अच्छे सेशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लाऊंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप लिख रहे हैं, अगर 10 बच्चे 20 बच्चे भी यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यू कैन अंडरस्टैंड माई हैप्पीनेस लेवल, आपको लिखना ही होगा इस कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर, सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, अच्छा सेशन लाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, रीजनिंग की क्लासेस भी आएंगी, इंग्लिश की भी अच्छी अच्छी आएंगी, बट आपका काम है कि बने रहना हमारे साथ और अप्रिसिएशन करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, और हमें बताइए कि सेशन कैसा लगा और किस टाइप के क्वेश्चन DI भी लेके आएंगे, बाकी चीज़ें भी लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।